अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ दारुल उलूम देवबंद में। दारुल उलूम का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। ये जो मदरसा है दारुल उलूम, ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। अब इसकी क्या हिस्ट्री है, कब इसको बनाया गया था, कब इसकी तामीर की गई थी और किसने की थी, वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि आखिर इसमें कैसी कैसी बिल्डिंगें हैं, किस तरह के नज़ारे इसमें देखने को मिलते हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों, ये जो सड़क है, जो रास्ता है, ये मदरसे के अंदर जाता है, मदरसे की तरफ जाता है। मदरसे का जो एंट्री गेट है वो यहीं सामने है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे ही एंटर करते हैं मदरसे के अंदर तो कितना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। गेट तो और भी हैं मदरसे के, लेकिन ये जो गेट है दोस्तों, इसी ये मेन गेट माना जाता है और इसी में को जो है अंदर जाते हैं लोग। अब आप देखिए कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है, माशाल्लाह। आपसे भी दोस्तों यही गुजारिश है, आप भी एक बार ज़रूर इसको विज़िट करिए, इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, अब हम मदरसे के अंदर आ चुके हैं और ये रशीदिया मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इसका जो नज़ारा है वो बेहद ही शानदार है। ये आप मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा, ये आप देखिए। और दोस्तों, ये जो है वो रशीद या मस्जिद जो है वो दारुल उलूम की, उसका ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं ये मेन गेट है। एक गेट उधर है लेकिन ये बड़ा गेट है, मेन गेट है। और इसका नज़ारा जो है वो बिल्कुल ताजमहल जैसा है, जैसा ताजमहल होता है ऐसा इसका नज़ारा। मैं आपको सिनेमेटिक शॉट लेकर इसका दिखाता हूँ। दोस्तों चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। मस्जिद का जो नज़ारा है वो भी बहुत शानदार है और देखने लायक है और एक अलग ही सुकून अंदर देखने को मिलता है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब आप दोस्तों यहाँ से मस्जिद के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। ये आप यहाँ से नज़ारा देखिए कितना शानदार दिखता है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं और जब आप रियल में आकर इस मस्जिद को देखेंगे तो आपका जो है वो दिल खुश हो जाएगा। यानी आप इस मस्जिद का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। दुनिया में दोस्तों आपको ऐसी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी शायद। तो दोस्तों, मस्जिद रशीदिया मैंने दिखा दी है, अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ जो कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अब दोस्तों उससे पहले आपको दिखाऊं, ये जो है वो यहाँ पर एक हौज भी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो फ़िलहाल तो इसमें जो है कुछ काम चल रहा है दोस्तों, लेकिन बारिश का पानी इसमें भरा हुआ है और फिलहाल ये बंद हुए हैं तो नया वज़ू खाना वहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पर फ़िलहाल वज़ू की जाती है, ये तो फ़िलहाल बंद पड़ी है। जब यहाँ पर की जाती थी तो यहाँ पर बैठ करके जो है वो वज़ू करते थे लोग, इसमें पानी भर दिया जाता था, लेकिन फ़िलहाल ये खाली पड़ी है और यहाँ पर अब वज़ू करते हैं। और दोस्तों हम वहाँ पर चलते हैं, वो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, एशिया की जो है वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसकी भी कुछ कहानी है, वो मैं आपको वहीं पर चल कर बताता हूँ। और ये रशीद या मस्जिद है। अब दोस्तों मौसम जो है वो धूप निकल चुकी है, अभी तक तो दोस्तों बादल हो रहे थे लेकिन अब धूप निकल चुकी है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लाइब्रेरी की ओर। ये मेरे पीछे आपको दिखाऊं, ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं,
यही वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और ये आप इसका मस्जिद रसीदिया जो है वो इसका पीछे का जो हिस्सा है वो आप ये देख सकते हैं, यानी जो पीछे से, सामने से तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आप पीछे से देख सकते हैं, पीछे से भी बड़ा खूबसूरत ये दिखता है। अब दोस्तों आपको इस वहाँ करीब लेकर चलेंगे लाइब्रेरी के पास और आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये जो लाइब्रेरी है ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इसके ऊपर जो है वहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है। अब दोस्तों ये नहीं पता कि वो हेलीपैड जो है वो चालू है या फिर काम चल रहा है उस हेलीपैड पर। ये आप एक छोटी सी टंकी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसके करीब जा रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरी है इस दारुल उलूम मदरसे की और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, और वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं मैं आपको दोस्तों। और यहाँ ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो पढ़ाई होती है। अभी अगर आपको दिखाऊँगा, अगर अंदर जाने दे दिया तो मैं आप लोगों को नीचे का भी हिस्सा दिखाऊँगा यहाँ पर पढ़ाई होती है। फ़िलहाल दोस्तों आप इसका नज़ारा देखिए, इस लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है कितनी शानदार लाइब्रेरी बनाई गई है, गोल है और इसके ऊपर जो है वो हेलीपैड भी बना हुआ है। अंदर जो है दोस्तों वो पढ़ाई चालू है, आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था बाहर से जो लाइब्रेरी दिखा रहा था उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पढ़ाई होती है यहाँ पर, और कितने बच्चे आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कितनी भीड़ है। दोस्तों लाइब्रेरी का नीचे का हिस्सा है ये, काफी बड़ा हिस्सा है आप देख सकते हैं। दोस्तों ये शायद शेख उल हिंद एकेडमी है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को देखकर मैं बता रहा हूँ, शेख उल हिंद एकेडमी दारुल उलूम देवबंद ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मस्जिद रसीदिया भी दिखा दी है और लाइब्रेरी भी दिखा दी है, लाइब्रेरी पीछे देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको दिखा दी है। अब दोस्तों इधर चलते हैं, बाबे ज़ाहिर लिखा हुआ है, यानी पुरानी बिल्डिंग है इस दारुल उलूम मदरसे की, और यहाँ पर भी बहुत शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों मस्जिद की खूबसूरती, मदरसे की खूबसूरती जो है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ,
अब दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल रखा हुआ है, यानी रुमाल मुबारक रखा हुआ है। वो भी दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर कैमरा चलाने की वीडियो बनाने की इजाज़त होगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखा दूँगा, वरना वहाँ पर ज़्यादातर वीडियो बनाने नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको फ़ोटो में दिखा दूँगा। अगर वीडियो बनाने नहीं दी तो ये जो रास्ता है ये वहीं पर जाता है उधर ही, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये पुरानी बिल्डिंग है इस मदरसे की, दारुल उलूम देवबंद की, यानी ये जो है वो बहुत पहले की बनी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों अंदर पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई तो पूरे मदरसे में ही हो रही है, इसीलिए बच्चे आपको कम ही नज़र आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उस वक्त के ज़माने के ये जो कमरे हैं ये बने हुए हैं, जिस वक्त दोस्तों देश आज़ाद हुआ था, यानी आज़ादी से पहले के भी ये कमरे बने हुए हैं, और ये बहुत पुराने हैं, मतलब इनका खंडर बन चुका है। शायद इनकी काम चालू होगा या रिपेयरिंग इनमें जो है वो चलेगी, किसी से हमने पूछा वो कह रहे हैं कि इनको रिपेयर किया जाएगा। और दोस्तों ये जो मदरसा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर से यहाँ पर जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं स्पेशल दारुल उलूम देवबंद में। आप जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करिए, और जिस जो जो यहाँ पर विज़िट कराए, जिस जिसने जो जो भी यहाँ पर आया है वो कमेंट करके बताइए। और आपसे मैं कहूँगा आप लोग एक बार ज़रूर आइए, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक रखा हुआ है, उसकी ज़्यारत करिए, मैं भी आपको ज़्यारत कराऊँगा अगर वीडियो बनाने की इजाज़त हुई। और दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री की बात करूँ, ये जो मदरसा है दारुल उलूम ये 150 साल से भी ज़्यादा का हो चुका है, यानी 150 साल से भी ज़्यादा इस मदरसे को कायम हुए हो चुके हैं, 150 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो दोस्तों अब जा रहे हैं वहीं पर जहां पर रुमाल रखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक, यहां से निकल करके जाते हैं। ये दोस्तों शायद मतबख है इधर, यहां पर और काफ़ी यहाँ पर ठंडक हो रही है, ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़िया लग रही है क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है। ये दोस्तों यहाँ पर मदरसे में एटीएम भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो बाहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए दोस्तों पैसे वगैरह बाहर से आता है, उनको निकालने में बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको यहीं से एटीएम में वो एटीएम लगाते हैं और निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यही वो जगह है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक रखा हुआ है, और ये कोना है दोस्तों यहां पर जो है वो अंदर ऊपर यहीं पर वो रुमाल मुबारक रखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अभी दोस्तों आपको ले चलता हूँ, पहले दोस्तों मैं आपको इधर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। सामने दोस्तों पढ़ाई चल रही है बच्चों की, और कितना बड़ा ये मदरसा है दोस्तों आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आपको घूमकर ही इस मदरसे में पता चलेगा कि आखिर ये कितना लंबा मदरसा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो है वो नलका है जो कि 150 साल पुराना बताया जाता है, और इसका पानी जो है वो काफ़ी ठंडा है, और यहाँ पर जो है वो एक कुआ भी है, इसका पानी जब हमने पिया तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हमको लगा, जो कि जैसा पानी फ्रिज में होता है वैसा ही इसका पानी इसमें से निकलता है, जो कि ये नलका 150 साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं रुमाल की ज़्यारत कराने, रुमाल देखने के लिए।
तो दोस्तों रुमाल की ज़्यारत तो हम करके आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी जो है वो मना थी, क्योंकि रुमाल जो है वो दफ्तर के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर मदरसे के बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दी। मैं दोस्तों पहले भी इसकी ज़्यारत कर चुका हूँ एक बार और आया था, वो वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा, उस वीडियो में आपको आप देख लेना रुमाल की ज़्यारत। अब दोस्तों आपको एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ जो कि इसी मदरसे की लाइब्रेरी है, एशिया की लाइब्रेरी, जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इसी मदरसे की एक पुरानी लाइब्रेरी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें भी काफ़ी किताबें जो है वो रखी हुई हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा मदरसा है, इस पूरे मदरसे की ज़्यारत हमने आपको करा दी है, और दोस्तों ये जो मदरसा है लगभग 150 साल से भी ज़्यादा इस मदरसे को हो चुके हैं, यानी 150 साल पहले इस मदरसे को कायम किया गया था, और कायम करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। मेरे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे जहन में नहीं है उनका नाम, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा दूँगा, आप खुद देख लेना, उसमें नाम लिखे हुए हैं जिसने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। लगभग 150 साल हो चुके हैं, इसमें लिखा हुआ भी है 30 मई 1866 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। और दोस्तों जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, यानी देश को आज़ाद कराने में इस मदरसे का बहुत ही अहम किरदार रहा है, यानी इस मदरसे के बच्चों ने, उलमाओं ने, जो इस मदरसे के जो असातिज़ा थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इस देश को आज़ाद कराया है, यानी इस देश से ही, इस मदरसे से ही, जो कि भारत में दारुल उलूम के अंदर मौजूद है, इस मदरसे से ही आज़ादी का आंदोलन जो है वो चला था। और लगभग सभी चीज़ें मैं आपको दिखा दे चुका हूँ इस मदरसे की, और आपने इस मदरसे की जो बिल्डिंगें देखी लगभग ये 150 साल पुरानी हैं, 150 साल जो है इस मदरसे को कायम हुए हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो है वो असर की अजान हो चुकी है, यानी व्लॉग बनाते बनाते आपको इस मदरसे की ज़्यारत कराते कराते यहाँ पर असर की अजान हो चुकी है, तो फ़िलहाल जो है असर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस मदरसे की मैं आपको लगभग सभी ज़्यारत करा चुका हूँ, सभी बिल्डिंग आपको इस मदरसे की दिखा चुका हूँ, आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और आपको नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का चाहिए वो भी आप कमेंट करिए, और कौन कौन इस मदरसे में आया हुआ है और किस किस को ये मदरसा पसंद है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पर एंड करता हूँ।